यहाँ खड़ा करने जा रहे सर। अरे भाई 010 तुम तो असली राइडर। अरे कहाँ चला रहा छोटू? So, hey guys, good morning, welcome back to new episode guys. आज इस ब्लॉग की शुरुआत रूम पे ही स्टार्ट हो रहा है एंड देख पा रहे होगे ये दो नल्ला सबको यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है कि फोन छेड़ रहा है पता नहीं चल रहा है। देख पा रहे होगे सब अपने फोन में बिजी। एक लड़का है तो बुक खोल लिया बट फोन में ही लगा रहता है। ये सब को तो पढ़ाई लिखाई करना नहीं है बट केवल फोन देखते रहता है। घर तक चल जाना चाहिए ये वीडियो ताकि डांट मिले ये सबको। और कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है एंड उधर देख पा रहे होगे हैप्पी बर्थडे वाला एक लड़की का बर्थडे था वो अभी फिलहाल यहाँ नहीं है। तो अभी चलते हैं यहाँ से फटाफट, मिलते हैं आप सबसे आगे। और अभी फिलहाल जा रहे हैं बस स्टैंड बिकॉज घर से सब्जी आया है। इधर सब्जी बहुत महंगा चलता है तो घर में लगाते जो छोटा मोटा वही सब भिजवा दिए तो वही लाने के लिए जा रहे हैं। फिर आते हैं रूम दिन उसके बाद राइड पे निकलना है। तो अभी देख पा रहे होगे जैसे तैसे जा रहे हैं आके फ्रेश फ्रेश होंगे उसके बाद राइड पे निकलेंगे। तो निकलते हैं अभी यहाँ से फटाफट, लेट नहीं करते हैं चलो। एंड उधर देख पा रहे होगे अपना ब्लॉगिंग सेटअप कहाँ रखा हुआ है, नीचे करो ना तो उसको। तो फाइनली गाइस अभी निकल चुके हैं एंड देख पा रहे होगे पूरा मिट्टी मिट्टी हो गया बिकॉज कल का ब्लॉग जो नहीं देखे होंगे तबाही वाला वो जाके देख ले, अभी ही मैंने अपलोड किया है। तो कल का ब्लॉग कुछ तबाही था और कल के ब्लॉग में टॉप स्पीड भी मार दिया मैंने। तो आप सब जाके चेकआउट कीजिए फट से, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। बाकी भी पहले साफ करते बाइक को बिकॉज पूरा बाइक पे मिट्टी आ गया है और ये अभी तक तो टूटा नहीं है फिलहाल, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा वैसा लग रहा है मेरे को। पूरा देख पा रहे हो मिट्टी खतरनाक टाइप से, बारिश हो रहा था कल के राइड पे फिर भी बारिश में ही टॉप स्पीड मार दिया। कुछ नया लगा मेरे को बारिश में टॉप स्पीड मार, टायर स्केट करेगा क्या करेगा बिना डरे मार दिए। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, पहले बाइक को करते हैं कॉल स्टार्ट। तो लेट नहीं करते निकलते अभी यहाँ से फटाफट। सो फाइनली अभी हम लोग निकल गए बस स्टैंड की ओर एंड देख पा रहे होगे पूरा लूजर उजर पूरा पहन के, शूज़ भी मैंने नहीं लगाया चप्पल में ही निकल गया बट मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे। हेलमेट तो भाई कभी नहीं छोड़ता बिकॉज आप सबको ब्लॉग जैसे भी देना है ना। तो अभी निकल चुके हैं एंड रिकॉर्ड कैसा हो रहा मेरे को पता नहीं, वॉइस कैसा आ रहा आप सब कमेंट में ज़रूर बताइए बिकॉज अभी तक मीडिया मोड वगैरह खरीद नहीं सके हैं। तो वैसा बजट ही नहीं बन रहा अपने पास कि हम घर वाले को भी ये सब के मामले में बोले तो बोलेंगे कि ये क्या होता है यहाँ पढ़ने के नाम पे पैसा लेके आप सबके लिए ब्लॉग बना रहे हैं। तो आई होप कि आप सब मेरा बात समझ रहे होंगे और भरोसा है कि आप सब एक दिन सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो अभी जा रहे बस स्टैंड की ओर और एडिटिंग में भी झमेला होता वो तो मेरे को पता है बट घर वाले अभी नहीं दे रहे और मीडिया मोड भी खरीद नहीं सक रहा हूँ तो कैसे क्या करूँ मेरे को समझ नहीं आ रहा। बट जैसे चल रहा वैसे कर ही रहे हैं, फ़ोन से रिकॉर्ड मैंने कर रहा हूँ वो भी अपना फ़ोन में, नॉइज़ कैंसिलेशन नहीं है तो उस पर रिकॉर्ड भी नहीं अच्छा होता है। तो भाई का फ़ोन में रिकॉर्डिंग चालू करके पैकेट में डाल लेता है। देख पा रहे होगे ये मोनो का माइक मैंने इंस्टॉल किया हुआ है यहाँ पैडिंग के अंदर लगाया हुआ, वो पैकेट में रख लेते हैं फ़ोन और गोप्रो का बस वीडियो रिकॉर्डिंग तो और वॉइस रिकॉर्डिंग फ़ोन का तो सेट करने में भी परेशानी होता है, एडिटिंग में भी टाइम लगता है बट क्या ही कर सकता हूँ। जैसे भी दे रहे एक दिन सपोर्ट कीजिएगा तो वो चीज़ ख़रीदने लायक मेरे पास बजट रहेगा तो आप सबको और अच्छा से ब्लॉग दे पाऊँगा। तो अभी हम लोग बस स्टैंड की ओर जा ही रहे हैं। सो यही यहाँ पे पुराना बस स्टैंड है जो छोटा छोटा ही बस सब खड़ा रहता है, यहाँ एसी वाला ना के बराबर मिलता है। तो यहीं पे छोटा बस गांव से आता है तो उसमें सब्जी वगैरह है इसी में होगा।
ये ना अपना सब्जी इस बस में आया था यही खटारा में, तब यहाँ से निकलते हैं। अरे बंद भी नहीं हो रहा ना अंदर, हाँ गिरा। A few moments later, तुम्हें पलटी नहीं देता मारा तो यहाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कौन पीछे वाला मार देता है? हाँ कौन मारता है? या इधर बच्चा सब देखते मारता है, इधर उधर से आता है। हम मारे मतलब सीख ले, ठीक है सीखो। बच्चा सब पलटनिया सीखते रहता है। और आज खतरनाक टाइप से बारिश हो रहा था, भाई साहब क्या खींचती है। उतना खतरनाक टाइप से नहीं, लेकिन हल्का हल्का बारिश आ रहा था। भाई बच्ची डर की क्यों भाग गई, कोई दिक्कत नहीं मुन्नी, बारिश हो रहा था उसके वजह से आज राइड पे नहीं निकलते। जल्दी सोचे कि बारिश बंद होगा उसके बाद, तो अंदर में थे कब का ख़त्म हो गया पता भी नहीं चला, और ज़मीन भी सूखा सूखा नज़र आ रहा होगा। उतना खतरनाक बारिश नहीं हुआ। ओ भाई तुम तो असली राइडर, अरे कहाँ चला रहा छोटू? तो फाइनली अभी हम यहाँ कॉलेज मोड़ के पास है, यहाँ से लेफ्ट लेते हैं। और एक भैया उधर रहते हैं जिनके पास पहले बाल कटवाया करता था, उस साइड रहते थे सबसे पहले 2021 में, उस साइड रहते थे, उस टाइम का बात है। तो अभी चलते हैं भैया के पास बाल वाल कटवा। तो अभी यहाँ से राइट लेते हैं। खतरनाक, अरे भाई 0101 भाई VIP नंबर और स्कॉर्पियो, खतरनाक टाइप से बचे यार। अचानक से दिख ही नहीं रहा था, इधर अचानक लेफ्ट साइड हो के हमको लगा कि स्कॉर्पियो वाला यहीं पे खड़ा करने वाला, तो राइट जेईओ लिया और अचानक दिखा मेरे को भाई। करीबी मामला हो सकता था, जैसे अभी पूरा करीबी मामला वाला IPL चल रहा है, क्या मस्त लग रहा है। और अभी दिखाते हैं हजारीबाग में सबसे पहले कौन सा रूम में रहते थे, अभी आप सबको दिखाते हैं। जहाँ पे पहले फ्लैट वगैरह कुछ नहीं बना रहता था, वहाँ जो दिख रहा उस वहाँ 3 तल्ला, अब यहाँ फ्लैट बन गया, यहीं पे सब्जी खरीदते थे और ऊपर ही खाते थे। बट अभी लड़की नज़र आ रही ऊपर में, पता नहीं कौन है। यहीं बैंक ऑफ इंडिया के पास है सैलून बनवाए हैं, तो देखते हैं अगर होंगे भैया तो बाल वाल कटवाएंगे। बाबू भैया घर में, थोड़ा बाल वाल कटवाना। इस साइड से खुल, हम खींचने जा रहे थे। सो फाइनली गाइज बाल वाल कटवा लिए मस्त टाइप से, तो फाइनली अभी निकल गए हैं। और बाल कटवाते कटवाते इतना ज़्यादा टाइम हो गया कि राइड पे भी नहीं जाने सके। सो अभी सोच रहे हैं कि आज का राइड क्या किया जाए, आप सबको तो ब्लॉग देना ही ज़रूरी है। तो आज के राइड पे सोच रहे हैं कि झील का नाइट व्यू आप सबको दिखाते हैं। इतना खतरनाक लाइट लगा ना कि क्या ही बताओ।
और बाइक पे गुजरेंगे तो और भी खतरनाक टाइप से लगेगा। और आज गोप्रो के साथ, मानते हैं कि गोप्रो के लिए लाइट चाहिए, बट जो लाइटिंग लगा है ना वो खतरनाक टाइप से। सो अभी आप सबको दिखाते हैं, तो अभी यहाँ से चलते हैं फटाफट, सीधा मिलते हैं आप सबसे झील के पास। तो फाइनली अभी झील के पास पहुँच गए एंड देख पा रहे हो गए झील का क्राउड। अभी फ़िलहाल खाली हो रहा है धीरे धीरे, कुछ देर पहले आते तो और भी ख़तरनाक, बट इस टाइम का व्यू और भी ख़तरनाक मिलेगा बिकॉज लाइटें जो लगा है ना ख़तरनाक टाइप से। अभी दिखाते आगे से। ओ भाई नो एंट्री खोला है लगता है, ये यहाँ खड़ा करने जा रहे सर। नहीं सर, घुसाने जा रहे ये सब कुछ। A few moments later. So finally guys, अभी देख पा रहे होंगे हम लोग यहाँ झील के बगल में बैठे हैं, और आप सबको अच्छा से आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा होगा बिकॉज आज जो झील में क्राउड है ना बहुत खतरनाक टाइप से, चलने का जगह नहीं मिल रहा, इतना खतरनाक बाइक इधर गुजर रहा, पता नहीं आज क्या है। तो अभी यहाँ फटाफट थोड़ा बहुत घूमते और आज यहाँ से निकलना पड़ेगा, और बाइक भी उधर भी नो एंट्री में रखना पड़ेगा। तो इधर आप देख पा रहे होंगे झील का सिनेमेटिक शॉट चेक करें, और सीधा हम लोग घर के लिए निकलेंगे, और कल देखते हैं संडे राइड है तो जितना भी ग्रुप सब है तो इधर ही आएंगे देखते हैं। तो अभी यहाँ का सिनेमेटिक शॉट चेक करें पहले, फिर मिलते हैं। एंड देख पा रहे होंगे बाल बाल ये अच्छा से दिखाते हैं रूम पे, यहाँ अच्छा से नहीं पता चल रहा होगा, लुक पूरा चेंज लग रहा होगा। तो मिलते हैं फिर, तब तक आप सिनेमेटिक शॉट चेक करें। खतरनाक वाला सीन हो गया बच्चा लोग के साथ, तीन लोड पूरा झील पे घूम रहा था।